Let's begin with the today's class and most likely nahin, almost very sure aaj aapki last class hogi. So this is our the class where we are winding up our full syllabus along with S block as well. S block ka bhi aapko aaj ka lecture mil jayega. S block ka lecture aaj shaam tak release ho jayega. Voice kafi kam hai kya? यश गहलोत सर की भी आवाज कम है. ओके तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. कल हम लोगों ने टाइट्रेशन कर्व में ये चीज देखी थी कि अगर वर्टिकल लेंथ हमें पता हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना चाहिए और कौन सा इंडिकेटर नहीं. तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे विद अवर लास्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ इंडिकेटर. थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाना चाह रहा हूं. एक टेबल बनवा रहा हूं. वो आपने टेबल याद नहीं रखनी, जस्ट एक आपके लिए सवाल के तो फॉर्म पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. यू आर गिवन इंडिकेटर का नाम एंड पीएच रेंज pH less than minimum range, pH greater than maximum range. Indicator name is methyl orange. pH range 3.1 to 4.4. Red, येलो, मिथाइल रेड इट इज 4.2 टू 6.3. दिस इज रेड, दिस इज येलो. लिटमस 5 to 8, दिस इज रेड, this is blue. Phenol red 6.4 to 8.2 yellow, red. Phenolphthalein 8.3 to 10 colorless and pink. This data is given to you. क्या ये आपको याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं. ml 0.1 molar sodium carbonate is titrated against 0.1 molar HCl what volume of HCl is required to be added in Na2CO3 to get first and second equivalent point. Given that pKa 1 of H2CO3 is 4.7
pKa2 of H2CO3 is 7.3. Also find pH of solution at both equivalent point and select the indicator which can be used to identify both equivalent point. This is one of the full-fledged question जो हम पिछली दो क्लासेस से कर रहे हैं. पहले आप क्वेश्चन को नोट करो. सबसे पहले देखो आपके पास सोल्यूशन में ब्यूरेट में कौन सा सोल्यूशन है. इस सवाल को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ब्यूरेट में आपने क्या लिया होगा? ब्यूरेट के अंदर जो सोल्यूशन होगा जो आपने ब्यूरेट में लिया है वो कौन सा है और किसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हो? 50 ml 0.1 molar sodium carbonate is titrated against 0.1 molar HCl. यहां ये भी लिखा जा सकता है with 0.1 molar HCl. अब साथ में लिखा है what volume of HCl is required to be added in Na2CO3. मतलब किसको add किया जा रहा है, किसके अंदर. जिसको add किया जाता है वो ब्यूरेट से हम drop by drop गिराते हैं. जिसमें गिराते हैं वो conical flask में होता है. तो इस सवाल से आपको क्या पता लगा, ब्यूरेट में आपने किसको लिया है, HCl को. और किस किस कोनिकल फ्लास्क में जिसमें लिया है उसमें क्या डाला है, HCl डाला हुआ है कोनिकल फ्लास्क, सॉरी सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में और ब्यूरेट से आप HCl गिरा रहे हो. तो अब अगर मैं इसको एज ए ड्रॉइंग की फॉर्म में देखूं तो मैं यहां पर HCl मैंने ब्यूरेट में लिया है और इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में. सबसे पहले आप मुझे एक चीज ये बताओ, जब हमें यह पता लग चुका कि HCl से सोडियम कार्बोनेट गिराया, HCl को सोडियम कार्बोनेट में गिराया जाएगा तो टाइट्रेशन कर्व कैसा होगा? आप टाइट्रेशन कर्व कैसे बनाओगे, क्योंकि जब आप HCl डाल रहे हो इसके अंदर तो पहले तो ये डिसाइड करो, जब HCl जरा सा भी नहीं डाला, सोडियम कार्बोनेट की सोल्यूशन की नेचर कैसी है, एसिडिक या बेसिक? इस ये तो एक सॉल्ट है ना हमारी नजरों में, इसके कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, इसके कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, एनायन का. और एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो पीएच 7 से ज्यादा होगी, यानी कि ये मेरे लिए बेसिक सोल्यूशन है. इस सॉल्यूशन की पीएच इस वक्त 7 से ज्यादा है. क्यों? क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट है जिसके एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और एनायन का हाइड्रोलिसिस होने से सॉल्यूशन की पीएच 7 से बढ़ गई. अब क्षितिज कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी तो गिवन है, फाइन, उससे क्या फर्क पड़ता है. वो हमें अपने नॉलेज के लिए पता कि जब हम प्रैक्टिकली ये टाइट्रेशन करवाएंगे तो हमें इसकी मोलैरिटी पता करनी होगी. पर सवाल में उल्टा उन्होंने दे दिया, सवाल में हमें उन्होंने दोनों की मोलैरिटी बता दी हुई है. दोनों की मोलैरिटी देके वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आने पे कितना वॉल्यूम HCl गिराना चाहिए और सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए कितना वॉल्यूम HCl का गिराना चाहिए. तो सबसे पहले तो मैं टाइट्रेशन कर्व कैसी बनाऊंगा, पहले तो आप ये बताओ, जब टाइट्रेशन कर्व में मैं वाई एक्सिस में पीएच लूंगा नीचे क्या लिखूं, वॉल्यूम ऑफ डैश, नीचे किसका वॉल्यूम रखा जाता है, जो चीज मिलाई जा रही है,
जिसमें मिलाई जा रही है Na2CO3 में मिलाई जा रही है वो नहीं, वॉल्यूम ऑफ HCl एडिड। और जब मैं वॉल्यूम ऑफ HCl एडिड डाल रहा हूं तो जीरो वॉल्यूम जब HCl का डाला, जब HCl का कोई वॉल्यूम नहीं डाला, तो सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन की pH ऑब्वियसली 7 से ज्यादा है। लेट्स से मैं यहां नंबर लिख रहा हूं 7, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नीचे जा रही होगी pH। लेकिन कितने इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे, उसकी रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट करने से कार्बोनेट आयन है, काम की चीज, इसने HCl के साथ रिएक्ट करना है। तो ये करेगा क्या, HCl से क्या करेगी ये HCl से H+ क्या करे, इट शुड गेन H+। टेक्निकली कितने H+ गेन करने चाहिए, 2। तो 2 H+ क्या वो एक ही स्टेप में गेन करेगा? नहीं। तो आप रिएक्शन कैसे लिखोगे, पहले एक H+ गेन करेगा तो ये बनाएगा HCO3- + Cl-, फिर अगले स्टेप में HCO3- में HCl ऐड करोगे तो बनाएगा H2CO3+Cl-, है ना? ऐसे ही रिएक्शन लिखोगे। और क्योंकि दो इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे, क्योंकि पहले इक्विवेलेंट पॉइंट कब आएगा, जब सॉल्यूशन में सिर्फ HCO3- होगा, जब इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। और सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट कब आएगा, जब इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, जब ये टाइट्रेशन कर्व बनाऊंगा, टाइट्रेशन कर्व कुछ ऐसा होगा जिसमें दो वर्टिकल लेंथ आएंगी, यहां कहीं एंड पॉइंट होगा, दिस शुड बी। अच्छा, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आप बता सकते हो पहला इक्विवेलेंट पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट वाला या बी पॉइंट वाला? पहला इक्विवेलेंट पॉइंट ए पॉइंट पे आएगा, दूसरा इक्विवेलेंट पॉइंट बी पॉइंट पे आएगा। तो सबसे पहले ये बताना कि HCl का कितना वॉल्यूम की जरूरत है पहला इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए HCl के कितने वॉल्यूम की जरूरत है, करके दिखाओ जल्दी से। अगर आपको सोडियम कार्बोनेट का 50 ml 0.1 मोलर पता है, तो HCl के कितना वॉल्यूम जिसकी मोलैरिटी पता है शुड बी एडेड? आंसर इज 50 ml। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट वाटर से HCl से एक H+ गेन करेगा, तो इसका n फैक्टर तो 1 है। तो इक्विवेलेंट पॉइंट जब पहला आएगा तो इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तब उस समय मैं लिखूंगा क्या, मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू एन फैक्टर 1, ये बन गए मिली इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट, शुड बी इक्वल टू HCl के मिली इक्विवेलेंट कितने, 0.1 मोलैरिटी, एन फैक्टर 1, और वॉल्यूम पता करना है। दिस इज फॉर HCl। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा वॉल्यूम 50 ml। इसका मतलब कि ये वाला वॉल्यूम पहला इक्विवेलेंट पॉइंट जब आएगा तो यहां वॉल्यूम 50 ml होगा, ये वॉल्यूम 50 ml होना चाहिए जब फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट कहीं आएगा। अब आप बताओ सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट लाना हो, जब इसके 50 ml बन गए, इसके 50 कितने मिली इक्विवेलेंट हो गए, 5, इसके 5 मिली इक्विवेलेंट, इसके 5 मिली इक्विवेलेंट खत्म हो गए और ये 5 मिली इक्विवेलेंट बना। तो जब इसके 5 मिली इक्विवेलेंट है तो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट कब आएगा, जब सॉल्यूशन में ये अकेला हो, जब सॉल्यूशन में ये अकेला हो तो इसके भी 5 मिली इक्विवेलेंट और डालने पड़ेंगे। तो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए HCl के टोटल कितने मिली इक्विवेलेंट डालने पड़ गए, H2CO3 तक आने के लिए टोटल HCl के 10 मिली इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि पहला इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए इसके 5 मिली इक्विवेलेंट और दूसरा इक्विवेलेंट पॉइंट यहां तक, इन दोनों को खत्म करने के लिए
इसे भी खत्म करना है तो हमें टोटल इसके भी 5 मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे, लेकिन सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट लाने तक हमें HCl के टोटल मिली इक्विवेलेंट 10 चाहिए। और 10 मिली इक्विवेलेंट के लिए अगर मोलैरिटी HCl की 0.1 है तो वॉल्यूम कितना लाना पड़ेगा? 100 ml का मतलब कि सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट 100 मिलीलीटर पे आएगा, क्योंकि पहली बार जब इसके 5 मिली इक्विवेलेंट थे तो HCl के 5 मिली इक्विवेलेंट चाहिए। 5 मिली इक्विवेलेंट के लिए HCl का वॉल्यूम डालना पड़ा 50। अगली बार फिर से ये जब 5 मिली इक्विवेलेंट बना तो सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट लाने के लिए 5 मिली इक्विवेलेंट HCl के और चाहिए, तो इन दोनों को खत्म करके जब H2CO3 बनेगा तो सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे सिर्फ H2CO3 बनाने के लिए HCl के टोटल मिली इक्विवेलेंट 10 डालने पड़े, और 10 मिली इक्विवेलेंट के लिए टोटल 100 ml सॉल्यूशन में डालना पड़ा। Na2CO3 के टोटल 100 ml की जरूरत पड़ी, क्योंकि 10 मिली इक्विवेलेंट है, मोलैरिटी 0.1 है, तो वॉल्यूम 100 चाहिए। अब यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे और सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे जब अकेला HCO3 माइनस है, अकेला H2CO3 है, तो pH भी निकाल सकते हो। पीएच कितनी आएगी? जब हमारे पास पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, जब HCO3 माइनस एम्फोटेरिक स्पीशीज है, एम्फोटेरिक वो भी एनायनिक स्पीशीज है, तो पीएच की वैल्यू कैसे आएगी? अगर कोई एम्फोटेरिक स्पीशीज पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे बनेगी, PKa1 और PKa2 की एवरेज, और PKa1 और PKa2 की एवरेज अगर मैं देखूं तो ये जो पीएच वैल्यू होगी फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे, ये जो पीएच होगा वो 4.7 और 7.3 का एवरेज होगा। कितना आएगा यहां से? 6, राइट? अब सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट की पीएच कैसे निकालोगे जब सॉल्यूशन में सिर्फ H2CO3 है? H2CO3 वीक एसिड है, वो भी डाइप्रोटिक एसिड, तो हमें पीएच निकालनी है डाइप्रोटिक एसिड की। और टोटल वॉल्यूम, क्योंकि H2CO3 के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C। pKa 1 लेना पड़ेगा H2CO3 का, पर फॉर्मूला लगाने से पहले मैं क्या चेक करूंगा? अल्फा 1 विच इज Ka 1 बाय C का रूट, और Ka 1 यहां से अगर मुझे चाहिए हो 4.7 है ना, ऑलमोस्ट ये 1.2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 5 बनेगा Ka1, 2 इंटू 10 रेस पावर माइनस 5। तो अगर ये 2 इंटू 10 रेस पावर माइनस 5 है और मोलैरिटी चाहिए मुझे, यहां पे तो मुझे मिली इक्विवेलेंट है H2CO3 के, तो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करो। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है? 100 मिलीलीटर, यहां तक 100 मिलीलीटर। तो अब इसकी मेरे पास नॉर्मेलिटी आ गई 5 मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 100 मिलीलीटर 0.05 नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी आई है क्योंकि ये मिली इक्विवेलेंट है। टोटल वॉल्यूम 50 और 50 100, और Na2CO3 का भी तो 50 ml था, टोटल वॉल्यूम 150 आएगा, 1/30 नॉर्मेलिटी। पर मुझे H2CO3 कि जब मैंने यहां पे वैल्यू रखनी है कंसंट्रेशन की, तो H2CO3 की मुझे चाहिए मोलैरिटी। तो यहां से अब डिवाइड बाय n फैक्टर भी कर दूं, डिवाइड बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर H2CO3 का 2, तो व्हाट विल बी मोलैरिटी? क्योंकि नॉर्मेलिटी आ गई, हमें मोलैरिटी चाहिए, तो डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 1/60। तो Ka1 2 इंटू 10 रेस पर माइनस 5 कंसेंट्रेशन 1/60 का रूट, ये चेक करो क्या ये 0.1 से छोटा आ रहा है। और अगर अल्फा 1.1 से छोटा आ रहा है तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा सकते हो। अब pKa1 मालूम है 4.7 माइनस log 1/60,
तो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच हमारी कितनी आ रही होगी, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे हमारी पीएच लगभग कितनी आ जाएगी, हाफ पी के वन माइनस लॉग वन बाय सिक्सटी। लॉग 60 इज 1.77, लॉग 60 इज 1.77, तो ये बनेगा 4.7 प्लस 1.77 डिवाइड बाय 2, ये लॉग 1 बाय 60 इज, ये पूरा सॉल्व करके माइनस लॉग 1 बाय 60 इज 1.77 प्लस 4.7 डिवाइड बाय 2, तो पीएच आएगी 3.23, यानी कि हमें ये वाला पीएच मिला यहां पे सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच मिला 3.23। अब हमें इस टेबल को यूज करके इंडिकेटर की सिलेक्शन करनी है। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, जब मेरा सोल्यूशन, जब बिगिनिंग में मैंने यहां Na2CO3 लिया था, अकेला Na2CO3 और कोई भी नहीं लिया था, मतलब अकेला Na2CO3 का सोल्यूशन है, मैंने एक इंडिकेटर डाल दिया। इस टाइम पे सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा होगी डेफिनेटली, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन तो बेसिक था ना। तो अब मैं बोलूंगा सोल्यूशन की जब पीएच 7 से ज्यादा होगी, लेट अस सपोज मैंने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया और मिथाइल ऑरेंज का डाटा क्या दिया है कि ये अपना कलर पीएच 3.1 से 4.4 में बदलेगा। लेकिन एक चीज देखो, हमारी जो सोल्यूशन की पीएच है वो धीरे धीरे तो घट रही है ना, इसका मतलब हम यहां से यहां जा रहे हैं, इधर से इधर नहीं जा रहे, हम यहां से यहां जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सोल्यूशन की पीएच टाइम के साथ साथ घटेगी। तो अब हमें किसी भी इंडिकेटर की जो कलर ट्रांजिशन रेंज हमें दे दी जाए ना, हमें यहां से यहां देखना है कि पहले 4.4 आएगी फिर 3.31, पहले 6.3 फिर 4.2, क्योंकि पीएच घट रही है। यदि मैं यहां पे बेस मिला रहा होता, बेस मिला रहा होता और इंडिकेटर का कलर ट्रांजिशन रेंज मुझे दे दिया होता, तो फिर मैं देखता यहां से यहां जा रहे हैं। तो अब पहले ये बताओ, जब यहां पे सोल्यूशन की पीएच 7 है, 7, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा, क्या दिया हुआ है, अगर पीएच 4.4 से ज्यादा है, 4.4 से ज्यादा है तो येलो कलर है, और अगर पीएच 3.1 से कम है तो रेड कलर का है। इस वक्त सोल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा है, तो मिथाइल ऑरेंज ने ये सोल्यूशन का रंग क्या कर दिया होगा, येलो, क्योंकि जब पीएच 7 से ज्यादा है, पीएच मोर देन मैक्सिमम रेंज यानी कि 4.4 से ज्यादा, तो सोल्यूशन इज येलो इन कलर। अब एक बात बताओ, जब पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा उस वक्त पीएच लगभग कितनी, 6 हो गई पीएच, तो जब पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आया 6 पीएच पे, क्या ये 6 जब कलर पीएच 6 होगी, अभी भी तो 4.4 से ज्यादा है, तो क्या मिथाइल ऑरेंज अपना कलर येलो से कुछ रेड की तरफ तब्दील करता दिखेगा या येलो का येलो ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज पीएच 7 से ज्यादा है इनिशियली, लेकिन जब पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आया पीएच 6 पे और 6 पीएच पे, देखो वो 4.4 से ज्यादा पीएच है ना 6 भी, तब भी तो वो येलो ही रह गया। तो क्या मिथाइल ऑरेंज हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या वो हमारे फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट को डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, दिस इज रॉन्ग। सो मिथाइल ऑरेंज हम फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट को चूज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं यूज कर सकते। आई होप यहां से आपको समझ में लगा कि हम इस पीएच रेंज का इस टेबल से कैसे यूज उठा रहे हैं। मान लेते कि मैंने पूछा मिथाइल रेड यूज कर सकते हैं, मिथाइल रेड, तो अब देखो मिथाइल रेड में बिगिनिंग में सोडियम कार्बोनेट यहां से सोल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा थी, ये नंबर 7 से डेफिनेटली ज्यादा है कहीं, तो मिथाइल रेड का कलर रेड होगा या येलो होगा, मिथाइल रेड डालने से कलर येलो आएगा, क्योंकि पीएच अगर 7 से ज्यादा है
तो 6.3 से ज्यादा पे येलो कलर दिखाता है। अब ये बताओ जब ये कलर येलो है और जब आपने जब अपने HCl डालते गए पहला इक्विवेलेंट पॉइंट पे 6 पीएच आई, जब पीएच 6 आई 6.3 से पीछे चले गए, बीच में आ गए कहीं, यानी कि अब येलो कलर मुझे रेड की तरफ बदलता दिखेगा थोड़ा सा। अब मुझे येलो कलर और रेड कलर दोनों का इफेक्ट दिखेगा, यानी कि येलो और रेड का कंप्लीमेंट्री कलर ऑरेंज। कभी पेंटिंग की है येलो कलर में रेड कलर मिक्स कर दो, येलो कलर में रेड कलर मिक्स कर दो, वो ऑरेंज जैसा दिखेगा, पर मुझे कलर चेंज होने का एहसास हो जाएगा, यानी कि येलो से टुवर्ड रेडिश, यानी कि थोड़ा सा ऑरेंज शेड आनी शुरू हो जाएगी, तो मुझे समझ में लग जाएगा कि भाई इंडिकेटर ने अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी कि मैं ये वाला इंडिकेटर यूज कर सकता हूं पहला इक्विवेलेंट पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए। यानी कि जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट की पीएच इस रेंज में कहीं आ गई तो वो इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। अब आगे चेक करो फिनोल रेड क्या मैं यूज कर सकता हूं, फिनोल रेड। अब देखो पीएच जब 8.2 से ज्यादा होगी, सॉरी लिटमस पीएच 8 से अगर ज्यादा होगी, मान लो ये इनिशियल पीएच थी 10, यहां पे थी सपोज पीएच थी 10, सपोज अगर ये पीएच 10 थी तो सॉल्यूशन का कलर कौन सा था, रेड या ब्लू? ब्लू, क्योंकि हाई पीएच 8 से ज्यादा है इनिशियल पीएच सपोज यहां पे जाके। अब जब आप 6 तक लेके आए तो आप फिर से 8 से 5 की तरफ जाना शुरू हो गए, बीच में 6 नंबर आया, तो मुझे ब्लू से रेड की तरफ कलर चेंज होता दिखना चाहिए। और ब्लू और रेड का कभी मिक्सचर किया हो आपने तो वो मैरून कलर या पर्पल कलर दिखता है, कभी आपने रेड और ब्लू कलर को मिक्स कर दिया हो तो आपको लगेगा वो तो कुछ चेंज इन कलर दिखेगा, कुछ रेडिश पर्पल टाइप का, यानी कि आपको कलर ब्लू थोड़ा सा चेंज होना दिखना तो शुरू हो जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा कि भाई लिटमस फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट को डिटेक्ट कर सकता है। अब अगला चेक करो फिनोल रेड, फिनोल रेड क्या फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल है, क्या पीएच 6, क्या पीएच 6 उसके इस ट्रांजिशन रेंज में आ रही है पीएच 6? बिल्कुल आ रही है, 6 नहीं आएगी, क्योंकि 6.4 से आप और लेफ्ट में चले गए। हाँ अब देखो ध्यान से सुनो, हम अब ये चेक करेंगे कि क्या फिनोल रेड हमें यूज करना चाहिए या नहीं। जब मैंने फिनोल रेड बिगनिंग में डाल दिया, बिगनिंग में ध्यान से सुनना, बिगनिंग में डाल दिया और बिगनिंग में पीएचसी 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा थी तो ये अपने पास कलर दिखा रहा था रेड, रेड कलर दिखा रहा है। लेकिन जब 6 पीएच हो गई तो 6.4 से भी पीछे चले गए ना, और जब पीएच 6.4 से भी नीचे चली गई तो ये येलो हो गया, तो रेड से परफेक्ट येलो कलर दिखेगा। तो वी कैन यूज, यस वी कैन यूज, क्योंकि उसने कलर चेंज होता दिखा दिया। अब आगे चेक करो फिनोल्थलीन, फिनोल्थलीन पीएच ऑलमोस्ट मान लेते हैं 10, इनिशियली 10 थी पीएच या 11 थी पीएच, तो सॉल्यूशन में फिनोल्थलीन का कलर कौन सा है, पिंक, पिंक राइट लेकिन जैसे ही पीएच 10 से घटती 6 तक आएगी तो आपको ये कलर पिंक से कलरलेस दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि फिनोल्थलीन वी कैन यूज। अब मुझे बताओ इन सब में से कौन सा इंडिकेटर आप पहला इक्विवेलेंट पॉइंट यूज करने के लिए नहीं यूज कर सकते थे, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए आप मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय सॉल्यूशन की पीएच 6 है और ये जो इसकी रेंज है ये 3.1 से 4.4 के बीच में है। तो इसमें हमें अगर येलो कलर बिगिनिंग में था, मान लेते कि ये पीएच 7 से ज्यादा थी जो कि येलो कलर पे थी, अगर वो 7 से 6 भी हो गया अभी भी वो 4.4 से ज्यादा है, येलो का येलो ही रहेगा। सो विद दिस आई होप यू गॉट द आइडिया कि अगर हमें ये रेंज दे दी जाए और ये कलर बता दिए जाए कि 3.1 से कम पे क्या कलर है, 4.4 से ज्यादा कलर पर क्या है 4.4 से, तो आप बता सकते हो कौन सा इंडिकेटर ले और कौन सा ना ले।
अब मुझे इसमें से सीधा आंसर ये बताना, सेकेंड इक्विलेंट पॉइंट जब पीएच 3.23 है, क्या मैं मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकता हूं? मिथाइल ऑरेंज 3.23 है और आप इधर से इधर जा रहे हो, तो इनिशियली ये पीएच थी मान लेते 8, 9, 10 कुछ थी, तो मिथाइल ऑरेंज जैसे यहां डाला होगा तो कलर क्या है? येलो। लेकिन जब आपने एसिडिक मीडियम डालना शुरू करके पीएच को 3.23 तक ले गए, तो 4.10 से घटती घटती पीएच जब 4.4 से नीचे गई, 3.23 यहां कहीं आया, तो येलो से हमें रेड की तरफ कलर बढ़ता दिखेगा। 3.23 बीच में आ रहा है ना कहीं, तो येलो से डेफिनेटली हमें रेड की तरफ जाता दिखेगा। तो मैं कहूंगा कि यस, वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज टू डिटेक्ट सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट, राइट? अब हमेशा ये चीज ध्यान से सुनना, जो चीज काम की है, कभी भी आपका सोल्यूशन, ध्यान से सुनना, इनिशियली बिगिनिंग में अगर बेसिक है और लास्ट में इक्विवेलेंट पॉइंट पे जाता जाता एसिडिक हो जाए, कभी भी बेसिक सोल्यूशन में आपने एसिड मिलाते मिलाते लास्ट में सोल्यूशन फुली एसिडिक हो गया, पीएच 7 से कम हो गई, तो ये ध्यान रखना कि तब आप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करोगे। और अगर कभी कोई ऐसा केस आ गया, एसिड में बेस मिला रहे हो, एसिड में बेस मिला रहे हो और पीएच बढ़ती जा रही है, और खासकर जब इक्विवेलेंट पॉइंट की पीएच 8, 8.5, 9 ऐसी हो, तब आप फिनोल्फथलीन यूज कर सकते हो, क्योंकि फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो आई होप यू गॉट दिस आइडिया कि टाइट्रेशन में हमने सब कुछ सीख लिया, वॉल्यूम भी कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट पॉइंट पे कौन सी चीज बचेगी, कौन सी इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच कितनी होगी, कौन सा इंडिकेटर किस इक्विवेलेंट पॉइंट को डिटेक्ट करेगा, किसको नहीं करेगा, ये फुल फ्लेश्ड अपने आप में क्वेश्चन था। ओके, अब हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। हेडिंग बनाओ, बनाया ही हुआ हेडिंग, अलग से बनाने की जरूरत नहीं। तो यहां पर आप लिखोगे इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेस हुज अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म और बोथ हैव कलर एंड प्रीडोमिनेंटली कलर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज अपीयर इन द सोल्यूशन
when particular species is at least 10 times more than other colored species. So when pH of solution is either less than pKIN minus 1 or pH more than pKIN plus 1, only particular color imparting species dominates in a solution. And when the pH lies in pKIN minus 1 to pKIN plus 1, then color is because of both species. Karo note. नोट करने के बाद जस्ट टेक्स्ट मी, आई हैव नोटेड. करें ओके. देखो जितने भी इंडिकेटर आपने ये नाम सुने थे ना, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, अभी जो हमने टेबल की थी जिसमें फिनोलथलीन, लिटमस, ये सारे इंडिकेटर ये एक्चुअल में ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये या तो एसिड है या बेस है खुद भी, और ये सबके सब कोई ना कोई कलर्ड डाई है. आपने ये वर्ड सुना ना, डाइस, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दुपट्टे रंगने वाली डाई. तो डाई बेसिकली कोई ना कोई इंडिकेटर, तभी वर्ड यूज किया जाता है किसी सब्सटेंस के लिए जब उसका कोई ना कोई कलर हो, वो कलर उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म में हो या आयनाइज्ड फॉर्म में हो या दोनों में हो. मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने ड्रॉ नहीं करना. आप ट्वेल्थ क्लास में जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे, आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा. आपको ये तो पता होगा कि ये जो वाला कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड, इसका नाम फिनोल है,
बेंजीन के ऊपर OH फिनोल। ये जो एक इंडिकेटर का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, इसका नाम है फिनोल्थलीन। अब फिनोल्थलीन में हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन है, तो ये एसिडिक है, इट विल लूज H प्लस। अगर मैं इसे एक्वस सॉल्यूशन पानी में मिला दूं तो फिनोल्थलीन तुरंत अपना H प्लस लूज करके एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा कुछ इस तरह का। इट विल लूज H प्लस। तो मैं ये बोलूंगा इंडिकेटर का, इंडिकेटर की ये अनआयनाइज्ड फॉर्म है। अनआयनाइज्ड फॉर्म का मतलब जब ये न्यूट्रल है, और जैसे उसने H प्लस लूज कर दिया तो ये उसकी आयनाइज्ड फॉर्म बन गई। तो इंडिकेटर खुद भी अपने आप में एसिड होते, जो पानी के अंदर H प्लस लूज करके अपना कंजुगेट बेस बनाएगा, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम है। तो मैं ये बोलूंगा अगर इस बड़े वाले इंडिकेटर ने ये सिर्फ H प्लस लूज किया, अगर मैं ये पूरे, इस पूरे का नाम रख दूं आई एन, इसका नाम रख दिया मैंने आई एन माइनस, तो आई एन माइनस ये H प्लस इसके साथ जोड़ दूं, ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, ये कोई एसिड है। जैसे हम एसिड को लिख रहा हूं एच ए, पर ए कौन है, ये पूरा। तो मैं इंडिकेटर को इतना बड़ा नहीं दिखाऊंगा, मैं एसिडिक इंडिकेटर, अगर कोई इंडिकेटर एसिडिक है तो ये एच आई एन लिखूंगा। एक्चुअल में तो ये वीक एसिड है और ऊपर से डाइप्रोटिक है, और आपको पता है डाइप्रोटिक एसिड का जो मेन एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो पहली डिसोसिएशन से होता है या दूसरी डिसोसिएशन से, पहली डिसोसिएशन से। तो मैंने इसीलिए एक एच प्लस लूज कराया। आपको ये ड्रॉ नहीं करना, मैंने आपको पहले बोल दिया था, पर मैं ये समझाने लगा हूं जब भी कोई इंडिकेटर एसिडिक होगा उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगी तो मैं उसके लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन रखूंगा एच आई एन, ताकि आपको ये बड़ा वाला पूरा ना ड्रॉ करना पड़े। और जब आप इसे पानी में डालोगे तो इट विल लूज एच प्लस टू फॉर्म आई एन माइनस प्लस एच थ्री ओ प्लस। तो अब मैं बोलूंगा ये इंडिकेटर की अनआयनाइज्ड फॉर्म है और ये इंडिकेटर की आयनाइज्ड फॉर्म है। अब इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, दो तरह के कैसे, या तो इन दोनों में से किसी एक का कलर है और दूसरी कलरलेस है। जैसे कि फिनोल्थलीन के केस में ये कलरलेस है, ये कलरलेस फॉर्म है, लेकिन जैसे फिनोल्थलीन एस में कन्वर्ट होगा ये पिंक हो जाता है। अभी आपने फिनोल्थलीन की रेंज देखी थी, जरा वो टेबल देखो 8.3 से 10। मैंने बोला कि जब पीएच 8.3 से कम होगी तो वो कलरलेस, और जब वो 10 से ज्यादा होगी तो वो पिंक, ऐसे करके उस टेबल में लिखा हुआ। तो जो दो कलर डिसाइड हुए ना, कलरलेस एंड पिंक, वो बेसिकली इंडिकेटर की अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म के कारण है, राइट। बट इंडिकेटर हमेशा इसमें या दोनों में कोई ना कोई कलर जरूर होता है, और वो कलर आता क्यों है उसका भी रीजन आपको ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में सिखा देता हूं। अब आपने ऑर्गेनिक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जीओसी में मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट आपने पढ़ लिए, तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है। अगर कोई पूछे कि अगर मैं ऑर्गेनिक की भाषा में यूज करूं आपके सामने, तो इस O- ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए रिंग को, तो इसने इस पे प्लस M इफेक्ट लगाया, प्लस M इसने लोन पर रिंग की तरफ भेजा, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन भेजे रिंग की तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो O- से रिंग की तरफ होता है, ये विजिबल लाइट का फोटोन एब्सॉर्ब करता है, और जब ये विजिबल लाइट का फोटोन एब्सॉर्ब करेगा तो कोई ना कोई कलर हमें दिखाएगा।
तो जब ये कोई कंपाउंड बनते हैं अपने आयन की फॉर्म में, तो जब इनमें रेजोनेंस होती है, कोई इफेक्ट, कोई ग्रुप किसी पे प्लस एम या माइनस एम लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज रिक्वायरिंग सम एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट, और वो विजिबल लाइट में जो भी कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने फोटोन एब्जॉर्ब करने, अकॉर्डिंगली हमें कोई ना कोई कलर इंडिकेटर का दिखेगा। अब यहां पे तो मैंने आपको बोला कि इंडिकेटर की अनआयनाइज्ड फॉर्म और एक आयनाइज्ड फॉर्म में आयनाइज्ड फॉर्म का कलर है, ऐसा भी हो सकता है इसका भी कोई कलर हो, इसका भी कोई कलर हो सकता है अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी कलर हो, आयनाइज्ड फॉर्म में कलर हो, यह भी हो सकता है, पर दोनों कलर डिफरेंट होंगे। फिर मान लो मैं एक और इंडिकेटर ले रहा हूं, मिथाइल ऑरेंज, जिसकी नेचर है इट्स अ वीक बेस, फिनोलथलीन इज वीक एसिड बिकॉज इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज मिथाइल ऑरेंज। आपको ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए, क्या इसमें कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन कहीं नहीं है, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू कार्बन एसिडिक नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये एसिडिक नहीं है, यहां कहीं भी H+ नहीं है, तो इट्स ए बेस। जैसे मैं इसे वॉटर में डालूंगा तो ये वॉटर में से H+ उठाता है और इसका छोड़ा H+ ये नाइट्रोजन गेन कर लेती है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लुईस बेस बन गया, लोन पेयर डोनर H+ के लिए। अब मैं बोलूंगा ये मेरी अनआयनाइज्ड फॉर्म और ये मेरी आयनाइज्ड फॉर्म, इसके कारण रेड कलर है मिथाइल ऑरेंज का और इसके कारण येलो कलर है। अब मिथाइल ऑरेंज एक बेस है जिसने H+ गेन किया है और H+ गेन करते ही उसने अपना रंग बदलना है, तो सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम होगा इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम, और जब सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम की बातें हो रही हैं तो दोनों प्रेजेंट हैं, तो मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन येलो और रेड दोनों की प्रेजेंस दिखा रहा है, और जब येलो और रेड दोनों स्पीशीज प्रेजेंट हो, दोनों कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में हो, मिक्सचर में तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तो दोनों होंगे, तो उस समय वो मुझे येलो और रेड का कोई बीच वाला कलर कुछ दिखा रहा होता है, येलो और ऑरेंज का मिक्सचर जिसको मैं बोलूंगा लाइक ऑरेंज टाइप। पर इंडिकेटर के जो कलर होते हैं वो उसकी अपनी खुद के कारण या फिर H+ गेन करने के बाद उसका कोई ना कोई कलर होगा, अगर वो बेसिक इंडिकेटर है, और यदि वो एसिडिक इंडिकेटर है तो H+ लूज करने के बाद उसका कोई ना कोई कलर होगा। अब मैं एक बेसिक इंडिकेटर को जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे IN से, एक बेसिक इंडिकेटर को जनरल, जो H+ गेन करके अपना कंजुगेट एसिड बनाएगा INH+। तो मैं इसका नाम, जब इसने H+ गेन कर लिया, इसका नाम रख रहा हूं केटायनिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, क्योंकि इट्स ए केटायन कंजुगेट एसिड, इट इज केटायनिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, दिस इज अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, दिस इज अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, दिस इज एनायनिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। तो एनायनिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज कंजुगेट बेस ऑफ एसिडिक इंडिकेटर, केटायनिक फॉर्म इज कंजुगेट एसिड ऑफ बेसिक इंडिकेटर। ये दो वर्ड अब ध्यान में रखने हैं, दिस इज केटायनिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर एंड दिस इज एनायनिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। अब जब आपको यह चीज पता लग गई
तो हर इंडिकेटर के लिए, हर इंडिकेटर के लिए हम के ए भी डिफाइन करेंगे. अगर वो एसिड है तो इंडिकेटर का अपना भी कुछ के ए है, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ आईएन माइनस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई एन. दिस इनटू दिस अपॉन दिस इज लाइक डेफिनेशन ऑफ के ए. और इंडिकेटर के ए को हम नया नाम देते हैं के आई एन, इंडिकेटर कॉन्स्टेंट. अगर मैं यहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी के आई एन इंटू एच आई एन अपॉन आई एन माइनस का कंसेंट्रेशन. और अगर इस पे मैं लॉग लगा दूं, दोनों तरफ लॉग लगा लूं, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू निकालूं, तो ये एक्सप्रेशन आएगा पी एच इज पी के आई एन प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ आई एन माइनस अपॉन एच आई एन. ये एक ऐसी इक्वेशन आएगी. जब मैं दोनों तरफ लॉग लगा दूं फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं, रीअरेंज करके ये क्वेश्चन ऐसी बनेगी. ये इंडिकेटर की एसिडिक फॉर्म है, ये इंडिकेटर की कंजुगेट बेस है, तो ये बन गया मेरे लिए वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस. यानी कि इंडिकेटर और उसकी कंजुगेट बेस, ये रेशियो आ गई उसकी. तो किसी भी एसिडिक इंडिकेटर के लिए ये एक सूटेबल इक्वेशन है जो पीएच, पीके आई एन और उसकी आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म दोनों में रिलेशन बना रही है. सिमिलरली जब ये एक बेस है इंडिकेटर, तो मैं इसका के भी डिफाइन करूंगा लाइक आई एन एच प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आई एन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस. फिर से मैं यहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालूंगा, H प्लस की कंसेंट्रेशन लगा के, लॉग लगा के, माइनस वन लगा के, पूरी इक्वेशन ये मेरे पास बनेगी पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ आई एन एच प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आई एन. क्योंकि बेसिक इंडिकेटर के लिए आप पी ओ एच निकालोगे. कहने का ये मतलब है कि हर इंडिकेटर के लिए, अगर वो इंडिकेटर खुद एक बेस है, तो उसके पीकेबी या केबी का नाम ही के आई एन है, इंडिकेटर कॉन्स्टेंट. दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर कॉन्स्टेंट विच इज केबी फॉर इंडिकेटर विच इज बेस. दिस इज इंडिकेटर कॉन्स्टेंट विच इज के ए फॉर इंडिकेटर विच इज एसिडिक. अब ध्यान से समझना, सारी स्टोरी यहीं पर है. अगर मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला बिल्कुल लिखना है यार, फॉर्मूला भी लिखना है, बस आपने ये स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने, लेकिन ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये जरूर नोट करना है. जितना इस वक्त आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है, इतना ये आपने लिखना है. Take your time to note down. आज अपने पास टाइम ही टाइम है. आज मैं पहली बार बोल रहा हूं अपने पास टाइम ही टाइम है. 9:30 तक हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, उससे पहले ही हो जाएगी. अब तो 10 मिनट की बची है. तो बहुत अच्छे दिन पे आज हमारी क्लास खत्म हो रही है. बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा, और आपका सिलेबस भी आज के दिन कंप्लीट हो रहा है. और इसके लिए तो आप सबको बधाई है और थैंक्स भी है कि आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी ज्यादा दी और मुझे तसल्ली से पढ़ाने को दिया. ऐसा नहीं कि किसी भी चैप्टर में हमने जल्दबाजी करके खत्म कर दिया. मैं तो अपनी प्लेलिस्ट को देख के कई बार हैरान होता हूं कि ये आपका पहला सेशन है जिसमें मैंने 28 लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, 28 लेक्चर एंड मोर देन 40 लेक्चर थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री की. सो लिटरली अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. इतने प्यारे प्यारे बच्चों को मैंने पता नहीं कितने संडे परेशान किया, कितनी बार सुबह 8-8 बजे बुलाया, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे नींद से खुल के
आ रही है। चलो अब देखो, अब सॉल्यूशन में जब भी कभी कोई कलर होगा, अब यहां पे 10 मिनट की चीज है जो ध्यान से समझनी, बिल्कुल फोकस करके देखो। सॉल्यूशन में कलर मान लो दोनों के कारण है, यानी कि ये भी कलर्ड स्पीशीज है, ये भी कलर्ड स्पीशीज है, पर हमारी आंखों को किसी का कलर तभी डोमिनेटिंगली दिखता है जब तक उसकी कंसेंट्रेशन 10 गुना ज्यादा ना हो जाए दूसरे से। यानी कि जब तक अगर मुझे मान लो IN- का कलर है ब्लू, और मान लेते हैं कि HIN का कलर है रेड, लेट से मैं लिटमस की एग्जांपल ही ले लेता हूं, तो मान लो कि मेरे पास IN- आयनाइज्ड फॉर्म का कलर है ब्लू और HIN का कलर है रेड, यानी कि ये चीज मेरे पास सॉल्यूशन में ब्लू कलर दिखाती है और ये चीज सॉल्यूशन में रेड कलर दिखाती है। अब इंडिकेटर का PKIN तो फिक्स है, यदि जिस सॉल्यूशन में आपने इंडिकेटर डाला, यानी कि इस सॉल्यूशन में आपने इंडिकेटर डाला है यहां, और ये मान लो एक बेस का सॉल्यूशन है, और यदि एक बेस का सॉल्यूशन है तो उस समय सॉल्यूशन की pH 7 से तो ज्यादा है, यानी कि OH- की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, H+ की कंसेंट्रेशन कम है। एक बेसिक सॉल्यूशन में H+ की कंसेंट्रेशन बड़ी कम है, उस समय इस सॉल्यूशन की जो पीएच है, जो आपने यहां रखनी है, PKIN फिक्स होगा। पीएच की वैल्यू उस समय की, जिस समय आप उस मिक्सचर में पीएच कैलकुलेट कर रहे हो, बिगिनिंग में जब यहां पे आपने कोई एसिड नहीं डाला, यहां की पीएच आपने यहां रखनी। PKIN वैल्यू कांस्टेंट नंबर दिया होगा एग्जाम में, तो इस दो वैल्यू से आपने ये रेशियो निकालना। रेशियो मान लेते हैं कि ये रेशो सॉल्व करके आया 0.05, तो इसको फ्रैक्शन में होल नंबर अगर मैं बना लू तो ये बनेगा 1/20। क्या इस डाटा से आपको एक चीज समझ में आई? क्या कोई चीज दूसरे से 20 गुना, मतलब 10 गुना से ज्यादा हो गई? क्या इस रेशो से आपको कुछ पता लगा कि HIN की कंसेंट्रेशन 20 times IN- है? तो क्या HIN अपने दूसरे फॉर्म से 10 गुना से तो ज्यादा होगी ना? 10 गुना से तो ज्यादा होगी, ये तो 20 गुना है। उस समय सॉल्यूशन में डोमिनेटिंग कलर इसका दिखेगा, यानी कि इंडिकेटर उस समय सॉल्यूशन में रेड कलर दिखाएगा, तब ये ब्लू नहीं दिखाएगा। यदि आपने उस सॉल्यूशन की कुछ पीएच ऐसी है जिस पीएच की वैल्यू रखने से, PKIN क्वेश्चन में दिया रहेगा हर इंडिकेटर का, ये रेशो निकालनी है। अगर ये रेशो कुछ इस तरह से आ गई कि HIN 20 times IN- हो गया, तो जब तक कोई स्पीशीज, पर्टिकुलर कलर्ड स्पीशीज, दूसरे कलर्ड स्पीशीज से 10 गुना ज्यादा ना हो जाए, हमारी आंखें परफेक्ट कलर नहीं देख पाती। हमारी आंखों को परफेक्ट कलर तभी दिखता है जब तक कोई दूसरे से 10 गुना ज्यादा हो, 10 को भी इंक्लूड करना है। मान लेते हैं कि ये रेशो सॉल्व करने पे, ये रेशो सॉल्व करने पे आई 8। मान लो मैंने पीएच ऐसी रखी सॉल्यूशन की, इस सॉल्यूशन की कुछ पीएच इस तरह की है कि ये रेशो सॉल्व करके 8 आई। जब ये वैल्यू 8 आई तो इसका मतलब IN- HIN से 8 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा तो नहीं ना हुआ? उस समय सॉल्यूशन में मुझे दोनों की प्रेजेंस दिखेगी, यानी कि रेड और ब्लू दोनों दिखेंगे। मैं कहूंगा मुझे सॉल्यूशन पर्पल दिखेगा, क्योंकि रेड और ब्लू का मिक्सचर हमें एक पर्पल कलर दिखाता है। सो कहने का यह मतलब है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के कारण डोमिनेटिंगली एक सिंगल कलर देखना है, आंखों को कोई सिंगल कलर दिखाना है, तो हमारी आंखें तब तक कलर को पहचान नहीं पाती जब तक दोनों में से कोई कलर्ड स्पीशीज दूसरे से कम 10 गुना ज्यादा ना हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेशो आ गई 0.1, ये रेशो 0.1 आ गई, ये रेशो अगर 0.1 हो तो पीएच का एक्सप्रेशन क्या आएगा? पीएच ऑफ सॉल्यूशन
will be PKIN minus 1. जब ये log में 0.1 होगा तो ये minus 1 है, तो pH PKIN minus 1 हुई ना. यानी कि अगर इस solution की pH PKIN minus 1 के बराबर अगर हुई तो इसका ये मतलब है कि इसकी concentration 0.1 है और इसकी 1 है. यानी कि कौन किससे 10 गुना ज्यादा हो गया, कोई तो 10 गुना ज्यादा हो गया ना. जब ये रेशो 0.1 आ गई, इसका ये मतलब नहीं हो गया 1/10, तो एच आई एन 10 गुना ज्यादा हो गया. तो इस वक्त हमें सॉल्यूशन में रेड कलर डोमिनेटिंगली दिखेगा. अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेशो अगर पीएच मैंने पीके आई एन माइनस 1 वैल्यू से भी कम कर दी, तो इसका मतलब क्या है, पीके आई एन माइनस 1 वैल्यू पर ये 10 गुना ज्यादा है और मैंने पीएच और घटानी है, यानी कि इसे और घटाना है. ये अगर घटेगा पीके आई एन माइनस 1 से, ये अगर और घटेगा तो ये रेशो की वैल्यू बता सकते हो कहां से, मतलब कितनी हो रही है. अगर मैं पीएच को पीके आई एन माइनस 1 से भी घटा दूं, यानी कि अगर पीएच नंबर पीके आई एन माइनस 1 से भी छोटा हो, तो ये रेशो 0.1 से भी छोटी हो रही है. ये रेशो 0.1 से भी छोटी हो रही है, क्योंकि जब ये रेशो 0.1 है तो पीएच पीके आई एन माइनस 1 है. और अगर ये रेशो आपने और छोटी कर दी, 0.1 से भी छोटी कर दी, तो पीएच की वैल्यू पीके आई एन माइनस 1 से भी कम होती जा रही है. मान लो ये नंबर लाइन है, ये पीएच की नंबर लाइन है मैथ्स में, ये पीएच की वैल्यू है पीके आई एन माइनस 1. यदि पीएच पीके आई एन माइनस 1 से ये सारी पीएच की वैल्यूज जो कि पीके आई एन माइनस 1 से कम कम होंगी, तो उस समय ये रेशो 0.1 से छोटी है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन उसके 10 गुना से तो कहीं ज्यादा है. खुद बताओ, अगर ये रेशो 1/20 हो, यानी कि ये 0.05 हो, तो ये रेशो 1/20 हो गई. 1/20 नंबर पीके आई एन माइनस 1 से तो छोटा आएगा ना. तो अब मैं क्या बोलूंगा, जब तक ये सॉल्यूशन की पीएच पीके आई एन माइनस 1 से कम कम है, तब तक ये सॉल्यूशन में डोमिनेटिंगली रेड कलर दिखेगा. तो अब मुझे एक बात बताना, मैं आपसे जो सुनना चाहता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पीएच अगर पीके आई एन माइनस 1 के बराबर हो तो ये मैक्सिमम पीएच है जिस पर रेड कलर दिखेगा. ये मैक्सिमम का एडजेक्टिव बोलना चाहिए इसके लिए, मैक्सिमम वर्ड बोलना चाहिए पीके आई एन माइनस 1 के लिए, मैक्सिमम पीएच जिस पे रेड कलर दिखे. क्योंकि मैक्सिमम वर्ड का मतलब क्या है, इससे अगर कम करोगे, पीके आई एन माइनस 1 से कम करोगे, तो ये रेशो 0.1 से भी छोटी हो जाएगी. और 0.1 से भी छोटी हो गई तो ये नंबर तो रेड से और रेड डीप रेड दिखेगा. यही तो मतलब है, ये डोमिनेंट होगा. क्योंकि जब हम इस नंबर को 0.1 से छोटा करते जाएंगे, 0.1 से 0.01, 0.01 से 0.001, जितना ये रेशो को आप छोटा करते जाओगे, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस से एक्सेस में बनती जा रही है. तो सॉल्यूशन में रेड टू रेड डीप रेड कलर, मतलब डोमिनेटिंग रेड दिखेगा. यानी कि जब तक पीएच पीके इन माइनस 1 से छोटी छोटी है, तब तक सॉल्यूशन में इसकी डोमिनेंस है. और अगर सॉल्यूशन में मैंने पीएच कुछ ऐसे कर दी कि ये रेशो आगे 10, सॉल्व करके ये रेशो आगे 10, तो लॉग 10 क्या बन गया, पीएच की वैल्यू पीके आई एन प्लस 1. तो जब ये रेशो 10 होगी, उस समय इसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम्स हो गई इससे, तो सॉल्यूशन में मुझे ब्लू कलर डोमिनेटिंगली दिखेगा. लेकिन अगर मैंने ये रेशो 20 कर दी, 30 कर दी, 40 कर दी, तो पीएच की वैल्यू पीके आई एन प्लस 1 से बढ़ रही है या घट रही है. अगर ये रेशो 20, 30, 1000, 10,000 बना दूं, तो जो पीएच की वैल्यू है वो पीके आई एन प्लस 1 से बढ़ गई ना, उस समय सॉल्यूशन में आई एन माइनस डोमिनेटिंगली होगा, तो कलर पर्टिकुलरली ब्लू ही दिखेगा. तो अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि मान लो ये पीके आई एन माइनस 1 वैल्यू है और ये पीके आई एन है और ये पीके आई एन प्लस 1 है,
मैं पीएच की मान लो नंबर लाइन बना रहा हूं, तो पीके आई एन प्लस वन पे सोल्यूशन मुझे पहली बार ब्लू दिखेगा, और अगर पीएच इससे ज्यादा हुआ, पीके आई एन प्लस वन से पीएच ज्यादा हुई, तो हमेशा ब्लू ही ब्लू दिखेगा, और अगर पीके आई एन माइनस वन से कम हुई तो हमेशा रेड ही रेड दिखेगा। तो इस रेंज में मुझे क्या होगा, जब पीएच इस दोनों के बीच में होगी, उस समय मुझे ये रेशो 0.1 से 10 के बीच में है, तो उस समय इस इंडिकेटर का कलर मुझे पर्पल टाइप का दिखेगा, जिसमें रेड और ब्लू दोनों का एहसास होगा। यानी कि जब आपको सॉल्यूशन की पीएच पीके आई एन माइनस वन से पहले पहले आपका सॉल्यूशन अगर रेड था, जैसे ही आप पीके आई एन माइनस वन को टच करोगे, आपको पहली बार रेड से पर्पल फीलिंग आएगी। और अगर आप इधर से सॉल्यूशन की पीएच को चेक कर रहे हो कि सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का है और पीएच को घटाते जा रहे हो, तो पीएच को घटाते घटाते जब पीके आई एन प्लस वन पे आओगे, तो ब्लू से पहली बार थोड़ा सा पर्पल टाइप की फीलिंग आएगी। इसीलिए इंडिकेटर की ये जो रेंज है, ये वो रेंज है जिसमें वो अपना कलर बदलता दिखाता है, उसको बोलते हैं कलर ट्रांजिशन रेंज, जो आपने आज पढ़ी थी कि फिनोल्थेलिन के लिए 8.3 to 10। मतलब जब भी कभी आपको कभी कोई पूछे ना कि इंडिकेटर के लिए कलर ट्रांजिशन रेंज क्यों आती है, यू बेसिकली इस रेशो का खेल है। जब तक इसमें एक स्पीचीज दूसरे से 10 गुना एक्सेस में नहीं होती, हमारी आंखें परफेक्ट कलर रेंज चेक कर पाती। समझ में आई ये चीज कि ये जो रेंज आ रही है ये क्यों आ रही है? क्योंकि इससे ज्यादा पीएच करने पे ये डोमिनेंट, इससे कम पीएच करने पे ये डोमिनेंट, राइट? तो अब मुझे बताओ, जिस समय ये रेशो वन बन जाए, ये रेशो वन बन जाए, उस समय पीएच पीके आई एन होगा, आपको कौन सा कलर दिखेगा? अगर ये रेशो वन बन गई, यानी कि दोनों 50-50 हो गए बराबर बराबर, तो हमें परफेक्ट पर्पल टाइप की कलर दिखेगा। अब मुझे ये चेक करना कि क्या आपको सच में समझ आया, उसके लिए इसका एक न्यूमेरिकल देखना। लेकिन हम यहां पीएच किसकी रख रहे हैं? कोनिकल फ्लास्क में रखे हुए सॉल्यूशन की। कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच जीरो टाइम पे प्लस जब उसमें 10 ml एसिड मिला दिया, उस समय सॉल्यूशन की पीएच क्या है? एट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, जब आपने उसमें कुछ एसिड मिला दिया बेस में, तो पूरे सॉल्यूशन की पीएच वो आप यहां रख रहे हो। सो बस लास्ट के, पूरे सेशन के लास्ट के दो न्यूमेरिकल। चलो देखें, एट पीएच लेस देन 3.1 मिथाइल ऑरेंज इज रेड कलर्ड एंड एट पीएच ग्रेटर देन 6.3 मिथाइल ऑरेंज इज येलो कलर्ड। दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। And at intermediate values, when pH is between 3.1 to 6.3, it appears orange. What will be the color of indicator
इन 0.1 मोलर अमोनियम ब्रोमाइड गिवन दैट पीकेबी ऑफ NH4OH इज 4.74। उसने बोला है कि एक सल्यूशन है और ये सल्यूशन 0.1 मोलर अमोनियम ब्रोमाइड का है। इसके जितने भी पीएच है ये नहीं पता हमें, आपको बताना है अगर हमने इसका जितना भी पीएच है उसमें इंडिकेटर डाल दिया मिथाइल ऑरेंज तो वो हमें कौन सा कलर दिखा रहा होगा। इसका मतलब क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है कि 0.1 मोलर अमोनियम ब्रोमाइड की पीएच निकालो, 0.1 मोलर अमोनियम ब्रोमाइड की जो पीएच है उस पीएच पे इंडिकेटर क्या कलर देगा, और यदि वो पीएच 3.1 से कम आई तो रेड कलर है, अगर 3.1 6.3 से ज्यादा आई तो येलो कलर है, और अगर इन दोनों के बीच में आई तो वो ऑरेंज कलर है। तो हमने करना क्या है, अमोनियम ब्रोमाइड की पीएच निकालनी है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं, इज इट ए टॉपिक ऑफ बफर एसिड बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एम्फोटेरिक, अमोनियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है, इट इज ए टॉपिक ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जिसमें किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, केटायन का या एनायन का, इट इज केटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर केटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो पीएच 7 से कम होगी, और अगर 7 से कम होगी तो हो सकता है 3.1 हो सकता है 6.3 हो सकता है 3 से कम हो। तो अब मैं पहले पीएच निकालूंगा, जब 0.1 मोलर अमोनियम ब्रोमाइड के लिए मुझे पीएच निकालनी है तो आपके दिमाग में आना चाहिए केटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो पीएच 7-1/2 पीकेबी प्लस लॉग सी लगाना चाहिए। पर मैं आपको जस्ट क्विक रिकैप के लिए याद दिला रहा हूं, हम सबसे पहले केएच निकालते हैं, केडब्ल्यू अपॉन केए इनटू केबी, केटायन अमोनियम का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस अगर अमोनियम का होगा तो सॉल्यूशन में NH4OH प्लस H प्लस बनेगा क्योंकि बनने वाला वीक बेस है, तो के ए चला जाएगा के बी रह जाएगा, के एच सी एच स्क्वायर अपॉन 1-H, तो पहले H इग्नोर करके 1 की रिस्पेक्ट में H को इग्नोर करके H की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 0.1 से छोटी आ रही है, अगर आ रही है तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं पहले यहां पर इसकी मोलारिटी जब आपको 0.1 दी हुई है अमोनियम की तो इसे के डब्ल्यू केबी की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ है इंटू कंसेंट्रेशन, 0.1 का रूट निकाल के चेक करूंगा क्या ये 0.1 से छोटा आ रहा है या नहीं, चेक करो आ रहा है या नहीं 0.1 से छोटा। डेफिनेटली आएगी, तो एंजॉय योर फॉर्मूला। पीकेबी किसका रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, बनने वाले वीक बेस का, तो यहां से चेक कर लो 7-1/2 4.74 प्लस लॉग 0.1। अमोनियम आयन की मोलैरिटी रखनी है हमें, सॉल्ट की मोलैरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है केटायन आयन की मोलैरिटी, और केटायन की मोलैरिटी 0.1 है, यहां से पीएच की वैल्यू क्या आ गई 5.13। तो अगर पीएच 3.1 और 6.3 के बीच में आ रही है तो आप क्या जवाब दोगे, मिथाइल ऑरेंज अपना कौन सा कलर दिखाएगा, रेड येलो ऑरेंज, आंसर विल बी ऑरेंज, बिल्कुल ठीक। तो कई बार आपसे सॉल्यूशन की पीएच पूछी होती है इनडायरेक्टली इंडिकेटर की टर्म्स में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडिकेटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडिकेटर एच आई एन इज इन इट्स बेसिक फॉर्म एट पीएच 6
and given that PKIN is 5. तो अब आपको बोला कि एक इंडिकेटर है एच आई एन, तो एच आई एन इंडिकेटर कैसा है, एसिडिक या बेसिक? एच आई एन, दिस इज एसिडिक इंडिकेटर। इसकी बेसिक फॉर्म कौन सी होगी? जब ये एच प्लस लूज कर देगा इसका कंजुगेट बेस कहलाएगा इसकी बेसिक फॉर्म। तो क्वेश्चन ये है कि एच आई एन एसिडिक इंडिकेटर है, तो ये एच प्लस लूज करने के बाद ये इसकी बेसिक फॉर्म है और ये इसकी एसिडिक फॉर्म है। तो अब आपसे पूछा है कि बताओ इसका और इसका क्या रेशो होगा जब पीएच 6 होगी, सॉल्यूशन की पीएच जब 6 होगी तो एच आई एन का कितना फ्रैक्शन आई एन माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि आपसे ये पूछा है कि अगर पीएच का एक्सप्रेशन इंडिकेटर कांस्टेंट के साथ आपको मालूम है तो आपको ये पूछा कि बताओ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑफ एच आई एन, एच आई एन का कितना हिस्सा आई एन माइनस में प्रेजेंट है। तो अब मुझे इतना पता है यहां से आप रेशो तो निकाल लोगे, अगर ये नंबर 6 है और ये 5 है तो ये रेशो 1 आएगी, सॉरी 10 आएगी, 10 आएगी क्योंकि ये 1 बन गया ना तो log 10 1 होता है। अब आपको पूछा बताओ कितना फ्रैक्शन एच आई एन का आई एन माइनस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि आपसे ये पूछी जा रही है कि व्हाट इज आई एन माइनस अपॉन आई एन माइनस प्लस एच आई एन। ये पूछा आपसे कि आई एन माइनस की कंसंट्रेशन और टोटल कंसंट्रेशन, इन दोनों की टोटल कंसंट्रेशन में से कितना हिस्सा आई एन माइनस का है जब ये रेशो 10 आ गई, तो नेचुरली दिस विल बी 10/11। अब अगर मैंने ऐसे पूछा होता व्हाट परसेंट ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, व्हाट परसेंट ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कितने परसेंट इंडिकेटर की आयनाइज्ड फॉर्म प्रेजेंट है, यानी कि आई एन माइनस की परसेंटेज पूछी है, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस 100, परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म, यानी कि जिस समय ये रेशो 10 होगी तो ये 10 टाइम एक्सेस में है, तो टोटल सॉल्यूशन में आई एन माइनस की परसेंटेज कितनी है एच आई एन के कंपैरिजन में, दैट विल बी अराउंड मोर देन 90, मतलब अराउंड 91% के आसपास। इस टाइप के थोड़े थोड़े से लड्डू टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि पता नहीं होता कब जेई मेंस भी ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिनोल्थलीन, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिनोल्थलीन is added into 0.1 molar decimolar, decimolar का मतलब 0.1 molar decimolar solution of sodium butyrate calculate ratio of colored to the colorless form of indicator phenolphthalein given that Ka KIN is 3.075 into 10 raised to minus 10 and Ka of butyric acid
इज 1.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 10. अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला है. सोडियम ब्यूटायरेट का सोल्यूशन है, इससे घबराना नहीं है. ब्यूटायरेट आपको इतना पता है सोडियम के टायन है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता. तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है ये किसी एनायन का हो रहा है. ये के टायन है सोडियम आयन, सोडियम आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता. लेकिन ब्यूटायरेट ये कोई एनायन है जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है. तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है. बस इसमें बोलूंगा ब्यूटायरेट को मैं ऐसे लिख रहा हूं सोडियम पॉजिटिव बीयू नेगेटिव, और अगर ये 0.1 मोलर है तो ये डिसोसिएट करके बनाएगा Na प्लस एंड बीयू माइनस 0.1 मोलर. तो इस बीयू माइनस का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये वाटर में से H प्लस उठाएगा और ये बनेगा ब्यूटायरिक एसिड प्लस OH माइनस. तो डेफिनेटली एनायनिक हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है. आप यहां से पीएच निकाल सकते हो. तो यहां से जब आप ब्यूटायरेट का हाइड्रोलिसिस होगा और OH माइनस जनरेट होगा तो आप यहां से पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे. पीएच इज 7 प्लस हाफ पीकेए प्लस लॉग सी. पीकेए किसका लोगे? ब्यूटायरिक एसिड का, बनने वाला वीक एसिड, और वो दिया हुआ है पीके 10 माइनस लॉग 1.5 प्लस लॉग सी. सी किसकी कंसंट्रेशन? एनायन की, और एनायन की कंसंट्रेशन 0.1 है. तो आप यहां से पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे. जल्दी से बता सकते हो कितनी आएगी पीएच इस कैलकुलेशन के बाद? एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ, पीएच सॉल्व करने पे कितनी आएगी? 10.9 कुछ कह रहे लोग, या 11, आई डोंट नो कितनी, जितनी भी 11.4. ओके, अब उन्होंने बोला है इस पीएच की वैल्यू पे फिनोल्थलीन की कलर्ड टू कलरलेस फॉर्म का रेशियो बताओ. रेशियो ऑफ कलर्ड टू कलरलेस फॉर्म. अब अपने नोट्स में देखो, फिनोल्थलीन एक एसिडिक इंडिकेटर था. फिनोल्थलीन एक एसिडिक इंडिकेटर है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो फिनोल्थलीन की अनआयनाइज्ड फॉर्म कलरलेस है, HIN फॉर्म कलरलेस है. इसका कलर तब आता है जब ये H प्लस लूज कर देगा. जब ये H प्लस लूज कर देगा इसके कारण कलर आएगा पिंक. तो अब हमें जब पीएच का एक्सप्रेशन पता है इंडिकेटर के लिए, पीएच इज पीके आई एन प्लस लॉग आई एन माइनस अपॉन एच आई एन. तो बेसिकली ये इसकी कलर्ड फॉर्म है और ये इसकी कलरलेस फॉर्म है फिनोल्थलीन की. तो जब उन्होंने बोला कलर्ड टू कलरलेस तो आपसे बस इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिनोल्थलीन का कलरलेस फॉर्म कौन सा है? उसका न्यूट्रल फॉर्म. लेकिन जब वो H प्लस लूज करके आयनाइज हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया, तब उसका पिंक कलर है. तो कलर्ड टू कलरलेस का रेशियो आपको यहां से मिल जाएगा. जब आपको पता है पीएच की वैल्यू 11.4 है और पीके आईएन की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 10 माइनस लॉग 3.075. और ये पीएच आपने निकाल ली 11.4. तो यहां से अब आपने सॉल्व करके ये रेशो बतानी है. तो यहां से जितनी भी रेशो आएगी वो ये नंबर होगा, और ये वाला नंबर कौन सा रेशो है? कलर्ड टू कलरलेस या कलरलेस टू कलर्ड? ये रेशो किसका है? कलर्ड टू कलरलेस या फिर कलरलेस टू कलर्ड? इंडिकेटर इज कलर्ड, फिनोल्थलीन इज कलर्ड इन आयनाइज्ड फॉर्म, बट इट इज कलरलेस इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म. तो अब आप यहां से ये डिसाइड करके दो कि ये जो भी वैल्यू आएगी वो आप निकालते रहना, पर ये कौन सी
कलर्ड टू कलरलेस है या कलरलेस टू कलर्ड है, क्या बोलूं? व्हाट विल यू से? दिस इज कलर्ड फॉर्म, दिस इज कलर्ड टू कलरलेस। तो आपसे पूछी भाई कलर्ड टू कलरलेस ही, तो डायरेक्टली यहां से जब आप एंटी लॉग लगा के ये सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई रेशियो आ जाएगी, पर वही रेशियो आपसे पूछी गई है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप दिस मीटिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्लास इज फिनिश्ड एंड योर सिलेबस इज फिनिश्ड, और आज आपको एस ब्लॉक का लास्ट लेक्चर शाम तक रिलीज हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड।